सो स्टूडेंट, इस वीडियो में बात करने वाले कि JNM के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। अगर स्टूडेंट आपने 12th पास कर लिए और आप सोच रहे कि क्या करें और क्या ना करें, तो आपके लिए JNM भी एक विकल्प होता है जिसमें बेरोजगारी तो बहुत कम है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या है, कॉलेज डिग्री ले लेते हैं बट बेरोजगारी फिर भी बेरोजगार रहते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है। अगर आप भी 12th पास है तो ज़रूर इसको आजमा सकते हो। तो इसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए इसका डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि स्टूडेंट यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे दिया हुआ है कि वर्तमान में INC द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार न्यूनतम योग्यता 10+2 होनी चाहिए, 12th पास होना चाहिए। अब बात करें कि सर इसमें सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए, हमारे पास आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है। देख स्टूडेंट, इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी ओनली साइंस वालों के लिए है, बट इसमें साइंस वाले अगर नहीं होते हैं ना उपलब्ध, तो फिर किसी भी सब्जेक्ट का चलेगा, चाहे वो आर्ट्स का हो या फिर कॉमर्स का हो। अब आप बोलेंगे सर प्राइवेट में तो आप साइंस के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, कोई भी हो, वो अपने हिसाब से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। यानी कि आप प्राइवेट में तो किसी भी सब्जेक्ट का हो आपको JNM के लिए एडमिशन मिल सकता है, बट ये गवर्नमेंट के लिए है। अगर आप गवर्नमेंट से करना चाहते हो, कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर है, वो फीस पे नहीं कर सकता प्राइवेट की, तो फिर वो गवर्नमेंट में जाने की सोचता है, तो उसके लिए ये क्राइटेरिया होना कंपलसरी है। प्राइवेट में तो डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ये गवर्नमेंट के लिए क्राइटेरिया सेट कर रखा है। और उसके फॉर्म कब निकलेंगे वो तो आपको इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि जीव विज्ञान बायोलॉजी यानी कि साइंस वाले को प्रायोरिटी दे होगी। यदि जीव विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते, जैसा कि मैंने पहले बताया था, तो वो जो दूसरे सब्जेक्ट दूसरे विषय वाले स्टूडेंट हैं उनको प्रवेश दे दिया जाएगा। किसी जाति वर्ग में जीव विज्ञान विषय वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर अन्य विषय वर्ग के उसी वर्ग के अभ्यर्थी प्रवेश के पात्र होंगे। ध्यान देने योग्य बात है स्टूडेंट, किसी जाति वर्ग में जीव विज्ञान विषय वर्ग के अभ्यर्थी अगर नहीं आया, उपलब्ध नहीं है, तो उस विषय के मतलब उसी वर्ग के, ध्यान से सुनना, जैसे कि OBC का है, OBC का कोई विज्ञान वर्ग का नहीं आया, तो फिर उसी विषय वर्ग के अन्य अभ्यर्थी को प्रवेश दे दिए जाएंगे, उसी OBC वाले को, चाहे वो आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो। सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग OBC, अति पिछड़ा वर्ग MBC एवं आर्थिक रूप से कमजोर EWS के अभ्यर्थियों के लिए 40% तथा अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 35% प्राप्त होना चाहिए 12th में। यानी कि पास आउट अगर आपकी 12वीं पास है तो आप ये फॉर्म भर सकते हो, कोई नहीं रोक सकता आपको फॉर्म भरने से। और आप भी JNM कर सकते हो, जो कि 3 साल का कोर्स होता है, एक डिप्लोमा कोर्स होता है, नॉट डिग्री कोर्स, ओनली डिप्लोमा कोर्स। ओके स्टूडेंट, ये डिप्लोमा कोर्स है, मैं पहले आपको बता दूं, और ये 3 साल का होता है। आयु की बात करें तो मिनिमम 17 तो सभी में मांगते हैं, तो इसमें भी 17 ही है, और मैक्सिमम 28 वर्ष होनी चाहिए। अगर किसी पुरुष की 30 है तो वो नहीं भर सकता, और किसी पुरुष की अगर वो 15 साल का है, 16 साल का है, तो वो भी नहीं भर सकता। इसके लिए एज क्राइटेरिया है 17 से 28। महिलाएं ज़रूर भर सकती है, 35 साल तक की महिलाएं, उनके लिए छूट है थोड़ी सी। और भी कुछ देख लेते हैं ज़्यादा जानकारी। ये तो हो गई योग्यता, ये होनी चाहिए आपके पास। कुछ स्टूडेंट बोल रहे कि ऐसे साइंस वाले करते हैं कि जी नहीं, बिल्कुल आप आर्ट्स के तो आप भी कर सकते हो, बट गवर्नमेंट से नहीं, प्राइवेट से। ये डाउट मैंने आपका क्लियर कर दिया है। अभ्यर्थी को ट्रेनिंग केंद्र आवंटित होने के पश्चात स्थानांतरित किया जाएगा, जो कि ये तो अलग बात है कि 80% मतलब 80:20 होगा, यानी कि 80 पुरुष और 20 महिलाएं, ये अनुपात रहता है। और एक काउंसलिंग फीस है 180 रुपये तो हमारी गवर्नमेंट की है, और 10,000 रुपये निजी यानी कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी है। ये क्राइटेरिया बहुत सारा है, बट हमने बात की थी इसके लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए, ये योग्यता होनी चाहिए, उसमें हमने बात कर चुके हैं। अगर आपकी डिमांड होगी तो इसके अलग विषय में भी आपके कमेंट के आधार पर डिस्कस किया जाएगा। ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट अगर आप 12th पास है तो ज़रूर आप इसको कर सकते हो, किसी भी विषय का हो।